हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो K12X 5G फ़ोन में आप लोग लॉक चेंज कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो K12X 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको लॉक चेंज करना है, आपके फ़ोन में अगर लॉक लगा हुआ है, चाहे वो जो भी लॉक हो, पैटर्न हो, पिन हो या पासवर्ड हो, तो अगर आपको लॉक को चेंज करना है, मतलब दूसरा लॉक लगाना है, आपको पिन नहीं लगाना है, पिन है तो पिन ही लगाना है लेकिन दूसरा लगाना है, या आपको पिन के जगह पैटर्न लगाना है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में लॉक को चेंज कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉक चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स का। तो इस पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पासवर्ड का, तो इस लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं अपने फ़ोन का जो भी पैटर्न या पासवर्ड या पिन है उसको डाल देना है। डालने के बाद मॉडिफाई पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते देख सकते हैं ओल्ड पैटर्न को डालना है, तो पुराना वाला पैटर्न जो उसको डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर पिन आएगा, तो अगर आपको पिन नहीं चाहिए, पैटर्न ही चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तो यूज़ ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी लगाना है, पैटर्न लगाना है या यहाँ पर जो है आपको 4 डिजिट पासवर्ड, 4 to 16 डिजिट पासवर्ड या मिक्स पासवर्ड, जो भी लगाना है उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो नया वाला पैटर्न, पिन या पासवर्ड लगाना चाहते हैं उसको डालेंगे। डालने के बाद सेम उसी पैटर्न या पासवर्ड या पिन को फिर से एक बार डालेंगे। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉक चेंज हो जाएगा। अभी देख सकते हैं मेरे फ़ोन में पहले जो ये वाला था लेकिन इस वाले से अभी नहीं खुल रहा है, नया वाला जो बनाया था उसको डालेंगे तभी लॉक खुलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो K12X 5G फ़ोन में आप लोग लॉक चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।